सुनवाई करेगा जस्टिस प्रकाश पाड़िया की बेंच सुनवाई करेगी, तो ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सुनवाई तो जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे के मामले को लेकर इस वक्त की पहले लंबित मामलों की सुनवाई करेगा कोर्ट और फिर इसके बाद, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में लंबित मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट करेगा, जस्टिस प्रकाश पाड़िया की बेंच सुनवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी सर्वे के मामले से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त की पहले लंबित मामलों की सुनवाई कोर्ट करेगा। श्रृंगार गौरी केस के वादी राकेश सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने निजी स्टेट से खास बातचीत की, इस दौरान उन्होंने केस को लेकर क्या कुछ कहा सुनी। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने रिवीजन पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है और इस वक्त मेरे साथ श्रृंगार गौरी केस की वादी राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी हैं, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो कैवियट दाखिल की है। सौरभ जी, जो कैवियट आपकी तरफ से दाखिल की गई है, किन मामलों को लेकर है और क्या कुछ कैवियट में कहा गया है? ऑनरेबल, सुप्रीम कोर्ट का कल का ऑर्डर था कि ये मुस्लिम पक्ष जो है मस्जिद कमेटी आर्टिकल 227 या सिविल प्रोसीजर कोड 115 के तहत प्रोसीड कर सकता है, तो दोनों में, तो हमने इसीलिए दोनों में कैवियट मूव किया और इसलिए कि हमें सुना जाए तब कोई ऑर्डर कोर्ट करे या कोर्ट प्रोसीड करे, कैबिनेट का पर्पज ही यही होता है जी। देखा जाए तो आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिवीजन पिटीशन दाखिल कर दिया गया है, अब क्या आपकी तरफ से दलील ली जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये लगातार बोल रहा है कि हमें तो नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अगर वो हो सकता है कि अभी किया ना हो, अभी करेंगे या प्रोसेस में हो, तो हमारा तर्क क्लियर है, हम अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि एक न एक दिन वहाँ एसआई सर्वे होके रहेगा। कि मुस्लिम पक्ष एसआई सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है, वह हिंदू पक्ष की अपनी दलील है और हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर एसआई सर्वे होकर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बकराड़ा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से, साथ ही साथ मानवेंद्र भी जुड़े हैं। अविनाश, हालांकि पहले लंबित मामलों की सुनवाई, फिर इसके बाद ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, जाहिर तौर पर इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए दो अलग अलग मामले हैं। दरअसल पहला जो मामला है वो 2021 का है, जब बनारस की जो जिला जज ने वहां पर एसआई सर्वे का आदेश दिया था, हालांकि उस पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था और उसी की चूंकि तारीख थी, तो वो भी, उसकी भी सुनवाई अब से थोड़ी ही देर बाद यहां की एकल पीठ में होने वाली है। और जो दूसरी सुनवाई है, चूंकि देखिए वो सुनवाई नहीं है, चूंकि अब से थोड़ी ही देर पहले जो रिविजन पिटीशन है वो मुस्लिम पक्ष के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है, हालांकि वो चीफ जस्टिस के सामने रखा गया है और ये बोला गया है कि अर्जेंसी ग्राउंड पर इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे सिर्फ 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए ही लगाया है, तो मुस्लिम पक्ष की यह मांग है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई जरूरी है। तो वैसे माना जा रहा है कि जब ये, चूंकि चीफ जस्टिस को तय करना है कि किस बेंच में इस मामले को भेजना है, तो चूंकि अभी वो बेंच डिसाइड होगा कि एसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो रिविजन पिटीशन डाली गई है उसको किस बेंच में भेजा जाए, हालांकि अभी उसके बाद तय किया जाएगा कि वो सुनवाई आज होगी या नहीं होगी। क्योंकि देखिए इसमें एक पेश ये भी है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से जो श्रृंगार गौरी केस की वादी है राखी सिंह, उनके वकील सौरभ तिवारी की तरफ से दो अलग अलग कैविएट दाखिल किए गए हैं मुस्लिम पक्ष के खिलाफ, तो चूंकि हिंदू पक्ष को भी सुनना पड़ेगा, कोई फैसला सुनाने से पहले जब पूरी हियरिंग शुरू होगी तो उससे पहले जो हिंदू पक्ष की दलीलें होंगी वो भी कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। तो आज इस मामले की, यानी कि एसआई सर्वे को लेकर जो पिटीशन डाली गई है कोर्ट में, उस मामले की सुनवाई आज होगी या कल होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो पहला मामला है, जो फैसला 2021 में जिला जज बनारस के द्वारा दिया गया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, चूंकि उस मामले की सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी और थोड़ी ही देर बाद ये साफ हो जाएगा चीफ जस्टिस के द्वारा कि जो एसआई सर्वे पर रोक लगाने की जो पिटीशन आज दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, उसको किस बेंच में भेजा जाता है और उस पर कब सुनवाई होती है। दो अलग चीजें हैं मानवेंद्र, एक अर्जेंसी पर इस सुनवाई की बात कही जा रही है, हालांकि सबकी निगाहें उस पर भी है और दूसरे मामले पर भी है। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए, कानून के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष कैविएट दाखिल कर चुका है, यानी कि स्वीकार करने के बाद आगे क्या कुछ होता है उससे पहले हिंदू पक्ष को सुना जाना है। ये देखिए, कैविएट एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर अगला
किसी मामले को लेकर कोई याचिका लेकर कोई रिट पिटीशन पीआईएल फाइल कर रहा है, तो उसको सुनने के साथ साथ हमको भी मौका दिया जाए ताकि हम भी अपनी तरफ से बात रख सकें और फैसला एक तरफा ना हो। तो वो हिंदू पक्ष की तरफ से पहले ही दाखिल कर दिया गया था, लेकिन जो श्रृंगार गौरी का जो मुख्य केस है जिसमें 21 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत ने वहां से एसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था ज्ञानव्यापी परिसर का, उसको लेकर के रिट जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से फाइल की गई है और मेंशन भी किया जा रहा है चीफ जस्टिस की कोर्ट में कि अर्जेंसी के ग्राउंड पर इसकी सुनवाई करें। तो चीफ जस्टिस के ऊपर ये है, ये डिपेंड करता है कि वो कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, किसी बेंच को नामित करते हैं या खुद शुरुआती तौर पर जो पूर्वी उनकी प्ली है कि इस पूरे मामले को स्टे किया जाए, जो वाराणसी के सिविल डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है उसको उस पर स्टे लगाया जाए, तो यही मांग है उनकी। अब देखना ये होगा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन सी बेंच को ट्रांसफर करते हैं, और उसी समय 2 बजे के आसपास ही इस पूरे मामले की दूसरे मामले की सुनवाई होनी है जो सेम नेचर का है, यानी जो इसमें एसआई से सर्वे की मांग की गई थी उसमें भी की गई थी, और उसमें उस वाले मामले में पुराने मामले में अविनाश जाहिर तौर पर जिस तरीके से देखा जाए सबकी नजर है 2 बजे के करीब, हालांकि 2:15 होने जा रहा है, तो ऐसे में अब क्या कुछ उम्मीद की जाए, कितनी देर में सुनवाई? देखिए राहुल, बस थोड़ी ही देर में कोर्ट में यह सुनवाई शुरू होने वाली है। अगर हम पहले मामले की बात करें जो फैसला वहां के सिविल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा 2021 में आया था, तो उस मामले की सुनवाई माना जा रहा है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों पक्षों के लोग इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जहां तक सवाल दूसरे मामले का है, यानी कि 21 जुलाई को जो वहां के सिविल डिस्ट्रिक्ट जज ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, तो चूंकि उस पर देखिए अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास ये पूरा मामला गया है, पिटीशन गया है, चूंकि तय उनको करना है कि क्या वो कोई अलग से कोई नई बेंच बनाते हैं, कोई नई बेंच गठित करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, या फिर जो मौजूदा बेंच है उसी बेंच को यह मामला ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद चूंकि लिस्टिंग होती है, सुनवाई की डेट आती है, हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था वो यही था कि आप मुस्लिम पक्ष को यह बोला गया था कि आप हाईकोर्ट में जाइए और जो अर्जेंसी बेसिस होता है उस ग्राउंड पर इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। तो चूंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई है उस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि चूंकि कल शाम तक ही जो समय सीमा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई है, यानी कि कल शाम तक ही सर्वे पर रोक लगाई गई है, यानी कि उससे पहले हाई